हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एमी गो ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हे गाइस, वेलकम आपका दित्या मिकोर व्लॉग्स में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेकअप, हेयर और स्किन केयर की ढेर सारी वीडियो और साथ में कॉस्मेटिक की नॉलेज, और साथ ही साथ आप एंजॉय करोगे फैमिली व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ दित्या मिकोर व्लॉग्स में। कीप कंटिन्यू, कीप वॉचिंग। घर आ चुके हैं और अभी बस कपड़े चेंज किए हैं, अभी यही हैं और ये धुलेंगे, इनको बाहर लेके जाऊंगी। और अभी जस्ट घर पहुंचे हैं और 9 बज चुके हैं। इतना टाइम लग गया सब्जी भी ली रस्ते में से, सब्जी नहीं रह रखी थी बिल्कुल, तो सब्जी ली रस्ते में से। और अभी लगाऊंगी मशीन, क्योंकि 3 दिन से मशीन नहीं लगी है। कल था वीरवार तो इसलिए नहीं लगी, वीरवार बृहस्पतिवार वीरवार हाँ भाई नहीं लगी, और उससे पहले ज़रूरत नहीं थी, तो आज ज़रूरत है, आज लगेगी मशीन और अभी मैं लगाऊँगी मशीन। और गाइस अभी अभी है ना मशीन लगाई है, मशीन लगा के अंदर भी नहीं आई और लाइट गई भाग। मौसम हो रखा है ख़राब, आंधी सी आ रखी है बिल्कुल, और मुझे तो पता नहीं लाइट लगता नहीं क्या आएगी या नहीं आएगी। और मशीन मैंने लगा दी, कपड़े डाल दिए, थोड़ी देर भी एसी भी नहीं बैठे उससे पहले लाइट भागी। तो गाइस बार बार लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, अभी गई थी अभी आई है, मतलब तीसरी बार अभी आई है, तीसरी बार लाइट। और मशीन ना मैंने लगा दी है इधर, बीच में अपने आप ही बंद हो जाती है तो इधर चली हुई है। और एक और काम जो मैंने आते ही किया, वो जो हमारा है आते ही करने का काम, सब्जी लेके आई थी दो के यहाँ पे फैला दी है अच्छे से, सुबह तक ये सूख जाएगी, निचट जाएगी, फिर इसको रखूँगी फ्रिज में। गीली सब्जी नहीं रखती फ्रिज में, गीली रखते हैं ना तो फिर वैसे हो जाती है, गल जाती है। और पता नहीं हमारे फ्रिज में एक दिक्कत हो रही है गाइस, कोई सॉल्यूशन लाइट जाते ही ना पूरा यहाँ लाइट नहीं जाती, तब भी यहाँ इधर है ना पानी आ जाता है, पता नहीं यहाँ पे कहाँ से इस वाले पे ना पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या। और बस अभी मैं लेती हूँ और सुबह बनेगी भिंडी की सब्जी, जो मके माँ निकाल लेगी यहाँ से काटने के लिए, वो काट देगी फिर मैं सुबह बना दूँगी। और परमजीत गए हैं पापा को खेत में लेने के लिए, खेत में कई दिन से ना काम चल रहा है ट्रैक्टर का, तो वो मिट्टी वगैरह का कुछ काम चल रहा है, तो पापा वहीं हैं, अभी वो बिठा के लेके आएंगे बाइक का। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और रात को ना 2:45 बजे सोई थी, और अब उठ के ना आई हूँ किचन में, और अब मेरे को काम समेटना है। देखो इधर सब्जी कटी रखी है, सब्जी छोपनी है फले फटाफट, ये सारा यहाँ से हटाना है, साफ़ करना है, आटा गूंदना है। आटा गूंद के या तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, संभाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, एक काम करना है, इतना मेरा टाइम हो जाएगा, तो कर लेते हैं फटाफट। और बर्तन, वो बर्तन बड़े सारे बर्तन करने हैं, तो लग जाते हैं काम पे और बस फटाफट। देखो नीचे सारे के पोछा लगा दिया है, पूरा साफ कर दिया है, बर्तन हो गए सारे आपने देख ही लिया, और आटा गूंद के रख दिया है। रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में, उससे पहले मुझे एक दो छोटे मोटे काम करने वो करूंगी। तो गाइस इधर सब्जी मैंने डाल दी है, एक अपना लंच के लिए डाल दी है, सब्जी में ज्यादा खाती हूँ रोटी कम खाती हूँ, तो एक मेरी है एक परमजीत की है, और अब बना रही हूँ इधर रोटी। तो गाइस रोटी बन चुकी है और अभी मैं बस परमजीत खाने लग रहे हैं, और ये रोटी ना वहाँ की रख रही हूँ, दो रोटी उधर पर, तो ये रोटी मैंने रख ली वहाँ की, फट गया फॉइल पेपर, अपने पे रख देते हैं। ये मेरी भी होगी,
तो गाइस काम हो गया है सारा गाइस रेडी हो गया है और अभी जाएंगे अपने काम पे बना के दूध हल्का सा और फिर वहां जाके मिलेंगे आपको ना दो लिए और अब निकलने की तैयारी। आज थोड़ा लेट हो गए, आज मैं चाबी दे के आई थी क्योंकि पता है रोज लेट हो जाती हूँ, कल 10 बजे दुकान खुली तो आज चाबी दे आई थी, रोज चाबी देने में दिक्कत होती है। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और वहाँ से मेरा काम हो गया था ख़त्म। तो मैं आप लोगों के साथ ना एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। देखो ये है ना गुड़िया आई थी मेरे पास स्मूथनिंग के लिए, स्मूथनिंग करवानी थी आपको हमको या स्मूथनिंग के लिए, बट मैंने इनको मना कर दिया स्मूथनिंग के लिए क्योंकि इनके बालों में ना इतना अमोनिया है कि अगर हम स्मूथनिंग करने जाएंगे ना तो पूरा हेयर बर्न हो जाएगा। देखो कहीं पे कैसे बाल हैं, कहीं पे कैसे हो रखे हैं। अभी इनके बालों में ना इतना अमोनिया है, अगर हम स्मूथनिंग करेंगे ना तो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे सारे हेयर और जल जाएंगे पूरा बाल। तो अगर मेरा यही सजेशन है, मैं इसीलिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि अगर आपके बालों में इस तरह का अगर आपने कलर या कुछ भी ट्रीटमेंट लिया है ना गाइस, तो स्मूथनिंग मत करवाना ऊपर से। स्मूथनिंग का यही है, आपको कभी भी कोई केमिकल वर्क बालों में करवाना है ना तो स्मूथनिंग पहले करवाओ, कलर बाद में करवाओ। कोई भी हाइलाइटिंग करवाना है, ग्लोबल करवाना है, कोई भी कलर लेना है ना, पहले आप स्मूथनिंग करवाओ, उसके बाद आप अपने बालों में कलर करवाओ। कब करवाया था ये आपने? साल हो गया, देखो अभी तक निकला नहीं है और बाल टूट रहे होंगे बहुत ज्यादा है ना। तो क्यों हैवी कलर हो रखा है, मतलब कलर भी नहीं है इसमें, अमोनिया है, ये कलर है ही नहीं, अमोनिया है इसमें सारा पूरे हेयर में। तो आप भी इस चीज से इतना हैवी केमिकल बालों अवॉइड करें कि ना ही करवाएं। और मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखना। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। बाकी इनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप कैरेटीन ले लो, अभी वो ये सोचेंगे क्या करवाएंगे। कैरेटीन करवाओ, थोड़ा सा हेयर का पीएच लेवल अच्छा हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो गाइस इनको जाना था कहीं पे बाहर, तो इस वजह से इन्होंने इस टाइम तो कैरेटीन नहीं करवाई, बट इन्होंने बोला दीदी मेरा हेयर कट करवा दो आप, जिससे थोड़ा नीचे से रफ हेयर वगैरह निकल जाए। तो फिर हल्की सी इनकी ट्रिमिंग वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी सी वी शेप दे रहे हैं, लाइट सी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं कर रहे, तो कुछ डैमेज हेयर निकल जाएंगे और कुछ बालों का थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा। और अभी है ना शोरूम बढ़ा रहे हैं, मतलब लाइट वगैरह बंद कर रहे हैं और बस फिर निकलेंगे। सामान मैंने अपना स्कूटी पे रख लिया है, परमजीत और वो भाई साहब बढ़वा रहे हैं। और ये देखो गाइस अंधेरा हो चुका है, शोरूम पे और लाइट बंद कर कस्टमर थे वो अभी गए हैं। और आज है ना थोड़ा सा धर्म करने के लिए सोचा है, आज हमने थोड़ा सोचा है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा तो पानी वगैरह पिलाएंगे यहाँ पे बाहर। तो उसी में लगे हुए तो राम निकला रहे, देव मार उसने बैठे, मीटिंग चल रही है वहां पे, तैयारियां प्रिपरेशन। ये देखो वहां पे चल रही है प्रिपरेशन, ये पलटा वगैरह आ गया है एलवाई का और ये इधर बनेगा पानी वगैरह। नहीं आए हैं क्योंकि तो वो आने थे, जल्दी आना था, तैयारियां चल रही हैं था इसलिए, पर अभी वो थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि उनको जाना पड़ गया खेत में, बहुत ही जरूरी काम था और वो काम डिले हो रहा था, वो करवाना बहुत जरूरी था, फिर इसलिए वो है ना फटाफट वो काम निपटा के फिर इधर ज्वाइन करेंगे। और मैं आ चुकी हूँ तो मैं अभी यही रहूँगी शोरूम पे क्योंकि सारे बार बिजी हो जाएंगे तो फिर कस्टमर अटेंड करने के लिए भी चाहिए। एक आधा चेक पकड़ा दिया उन्होंने, पुलिस स्टेशन में खड़े हैं।
फिर भर भर लिया जब बेचती है। मास्टर भाई ना है या जल्दी आ गए अगर 1 बजे के बाद तो गाइज ये जो काम कर रहे थे ना पानी पिलाने वाला, ये चला था सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक और ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा था। और फिर मैं भी दोपहर के बाद गई थी शॉप पे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।